नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को बोल्ड डबल स्ट्रोक में लिखे थे और मैंने कहा था कि इन अक्षरों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3D बनाएंगे, तो वही मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो इसमें वैसा ही करना है, अक्षर के निचले भाग और दाहिने वाले भाग को शेडिंग देना है। यहाँ मैंने लाल रंग में थोड़ा सा काला मिलाकर उसे मेहरून कलर बना दिया है और उससे मैं शेड लगा रहा हूँ। तो किस तरह से करना है आप वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। ये सीधी लकीर है तो उसका निचला भाग ये है, तो वहाँ में मैं इस तरह से शेडिंग दे रहा हूँ। फिर ये खड़ी लकीर है, उसका दाहिना भाग है, तो वहाँ मैं इस तरह से शेडिंग देना है और नीचे वाले भाग को ट्राइंगल के लिए छोड़ देना है। ये शेडिंग देने से पहले आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा कि मैंने पहले पेंसिल से बीचों बीच मार्किंग कर लिया है। इसी तरह सभी अक्षर को बीचों बीच लाइनिंग कर लेना है, यानी कि अक्षर को दो भाग में बांटना है, उसमें से दाहिने वाला भाग और नीचे वाला भाग को शेडिंग देना है। ये देख रहे हैं, यहाँ से अक्षर मुड़ गया है तो उसका ये निचला भाग हो गया है। फिर यहाँ पर ये अब बायां क्षेत्र आ रहा है, वहाँ उसे रोक कर फिर दाहिना भाग को हम टच करेंगे इस तरह से। अब ये वाला जो पोर्शन है अर्शई का या दीर्घई का कहें, ऐसे हम दो तरह से शेडिंग दे सकते हैं, उसको मैं झा में लिख कर दिखाऊंगा। पहला तरीका तो इस तरह से है कि ये जो तिरछा वाला लकीर है, नीचे का जो पूंछी है, उसको हम दाहिना भाग मान कर अगर चलेंगे तो इस तरह से शेडिंग होगा, और अगर उसको निचला भाग करेंगे तो उसके लिए हम जो झा लिखे हैं उस पर ही मैं करके दिखाऊँगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम वर्णमाला के शेष अक्षरों को लिखेंगे बोल्ड बोल्ड अक्षर में, उसके बाद उसे फिर 3D बनाएंगे। तो यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा बैटरी एकदम लो हो गया था और जिसके चलते ये मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गया और ये जो मैंने शेडिंग दिया है ये सब का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये खड़ी लकीर है तो उसका निचला भाग, और ये का है उसका निचला भाग, और ये गोलाई का निचला भाग है, फिर यहाँ मुड़ने के बाद ये निचला भाग हो गया है, फिर ये निचला भाग है, और ये खड़ी लकीर का ये दाहिना भाग है। तो निचला भाग और दाहिना भाग को हमको शेडिंग में लेना है। बाद ये खा है तो उसका निचला भाग, ये सीधी लकीर का निचला भाग, उसके बाद ये जो रा जैसा है उसके निचला भाग और दाहिना भाग। फिर ये वाला लकीर तिरछा वाला जैसे दीर्घई में था, तो यहाँ मैंने देखिए दूसरा तरीका से शेडिंग दिया, इसको निचला भाग मान लिया है तो यहाँ में, जबकि ये मैंने दाहिना भाग माना था। इस वाले पोर्शन में गा में भी वैसा ही निचला भाग और दाहिना भाग को शेडिंग में डालते जाना है, वैसा ही मैंने किया है। और मुझे अफसोस है कि
बैटरी लो होने के कारण स्विच ऑफ हो जाने से मैंने ये वीडियो मेरा डिलीट हो गया, उसको मैं ऐसे ही सिर्फ दिखाकर बता दे रहा हूँ। उसके बाद चार्ज करने के बाद बाकी का वीडियो मैंने बनाया उसके बाद, तो आगे का हम शेडिंग डालना शुरू करते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं अवश्य ही जवाब दूंगा। अब मैं समय बचाने के लिए ये जो सीधी लकीर है उसका शेडिंग का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसको मैं पॉज करके फॉरवर्ड कर दिया है। जहाँ थोड़ा कठिन है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ का वीडियो मैं शो कर रहा हूँ वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए समय बचाने और मेमोरी भी बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। ये जैसे सीधा लकीर है तो इसको मैंने डायरेक्ट दिखा दिया है। करना कुछ नहीं, शुरुआत में से पेंसिल से अक्षरों के बीचों बीच मार्किंग कर लेना है, यानी कि अक्षर का जो मोटाई है उसको दो भाग में बांटना है, फिर दाहिने वाले भाग और नीचे वाले भाग को शेडिंग में ले लेना है। इसके बाद ये जो मैं बोल रहा था दीर्घई के बारे में, तो इसको हम दूसरा तरीका से सेटिंग डालेंगे, यानी कि उसमें जो पूंछी है उसको हम दाहिना वाला भाग को नहीं लेकर निचला वाला भाग मानेंगे इसको, तो इस तरफ हम उसको सेटिंग देंगे इस तरह से। आप उस तरह से भी जैसा मैंने दीर्घई में किया है वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल वाले भाग को दूसरा कलर से भरेंगे, तो इसके लिए मैंने पीला कलर चॉइस किया है, आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं। ऑरेंज कलर मैंने पहले चॉइस किया था लेकिन ऑरेंज कलर वीडियो में नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने पीला कलर चॉइस किया है। तो इन सभी क्षेत्रों को आप पीला रंग से ट्रायंगल बना देंगे, जितना भी छोर है वैसे मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो में, वीडियो अच्छे भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णमाला के शेष अक्षरों को डबल स्ट्रोक में लिखना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।